नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरर दिलकुश चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अजमेर यात्रा पे ले चलूँगा। इस वीडियो में मैं आपको अजमेर शहर के मुख्य आकर्षित केंद्र बताऊँगा। कैसे पहुँचे, कहाँ ठहरे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो अंत तक वीडियो को देखें। मेरे ख्याल से आप 2 दिन में पूरा अजमेर कवर कर सकते हैं। दूसरे दिन आप पुष्कर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं। पहले हम अजमेर सिटी के बारे में जान लेते हैं। अजमेर को राजा अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। 12वीं शताब्दी तक ये शहर चौहान राजवंश के केंद्र के रूप में बना रहा। बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजय कर अजमेर को हड़प लिया था। यहाँ सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल अजमेर शरीफ दरगाह होने के कारण मुगल सुल्तानों को अजमेर विशेष रूप से पसंद था। अजमेर घूमने के बाद पास ही में पुष्कर है, जो सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और अजमेर शहर पूरे इंडिया में अजमेर शरीफ दरगाह की वजह से ही जाना जाता है। अजमेर में आपको रीजनल प्राइस में होटल्स मिल जाती है और हॉस्टल भी काफ़ी किफ़ायती प्राइस में मिल जाते हैं। खाने पीने के लिए कई होटल्स और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप अपने दिन की शुरुआत अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रार्थना करके कर सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस जगह को गरीब नवाज नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी यहाँ पर लोग दरगाह पर माथा टेकने आते हैं, और कई बॉलीवुड एक्टर्स भी यहाँ आकर जा चुके हैं, और कई राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ पर चादर चढ़ाने आती हैं। मैंने अजमेर शरीफ दरगाह का एक विस्तार रूप से पूरा वीडियो बनाया है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। दरगाह घूमने के बाद आप पास ही बना 2.5 दिन का झोपड़ा देखने आ सकते हैं, जो वॉक इन डिस्टेंस पर ही है। दरगाह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का मुख्य टूरिज्म प्लेस है। पहले यहाँ पर एक संस्कृत कॉलेज थी, जिसे गौरी ने नष्ट करवा कर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, जो 2.5 दिन में बनाया गया था। अगर आपको डिटेल में यहाँ के बारे में जानना है, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा। अब आप 2.5 दिन का झोपड़ा घूमने के बाद बाहर आते हो, तो बगल में ही आपको तारागढ़ फोर्ट के लिए गाड़ियाँ मिल जाती है। आप चाहो तो ऑटो से भी तारागढ़ के लिए जा सकते हो, जो 2.5 दिन के झोपड़े से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तारागढ़ फोर्ट को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इसका पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद इस फोर्ट का नाम तारागढ़ रख दिया गया था। तारागढ़ फोर्ट तारागढ़ की बिटली पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी के चौहान शासक के राजा अजयराज ने करवाया था। अब यह फोर्ट पूरी तरह से खंडित हो चुका है। कभी इस शानदार किले के मुख्य आकर्षण इसके जलाशय और भीम बुर्ज थे। फोर्ट की खिड़कियों और भीतों पर सुंदर चित्रों के साथ रानी महल है, जिनमें शासकों की रानियां रहती थी। किले को एक्सप्लोर करने पर आपको अंदर जेल, अन्नभंडार, शस्त्रघर और इसके अंदर मौजूद कई इमारतें आपको दिखाई देंगी, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। फोर्ट के अंदर मीरान साहब की दरगाह है, जहां लोग दुआ कबूल करवाने आते हैं। तारागढ़ फोर्ट का भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में मैंने यहाँ के बारे में बताया है। उसके बाद आप अजमेर के दिल्ली गेट जाए, वहाँ से आप 1 किलोमीटर की दूरी पर बने गवर्नमेंट म्यूजियम में जाए। पहले ये अकबर का किला हुआ करता था, इस कारण इसे अकबरी फोर्ट भी कहा जाता है। म्यूजियम को भरतपुर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। अकबरी फोर्ट को 1570 में बनवाया गया था, जब अकबर का शासनकाल था। इन सब जगहों पर घूमने के बाद आपके पास टाइम बचा है, तो आप पृथ्वीराज चौहान स्मारक देखने जा सकते हैं। फिर अगली सुबह आप सोनी जी की नसिया देखने आओ। यहाँ पर आपको सोने से बनाई अयोध्या नगरी, सुमेरु पर्वत और भी कई सारी कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी।
मुख्य रूप से यह एक दिगंबर जैन मंदिर है जो करौली के लाल पत्थरों से बना होने के वजह से इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पीछे दो मंजिला फ्लोर को जोड़कर सोनी जी की नसिया बनाई गई है। 1000 किलो सोने की प्लेटिंग करके बनाई गई है। बहुत ही प्यारी जगह है। सोनी जी की नसिया अजमेर शरीफ दरगाह के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस है। इन कलाकृतियों को बनाने में लगभग 25 साल का टाइम लगा था। अंदर आने के लिए आपको 20 रुपए की टिकट लेनी होती है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल में आकर देख सकते हैं। सोनी जी की नसिया घूमने के बाद आप आना सागर लेक बारादरी पहुंच जाए। सोनी जी की नसिया से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही आना सागर लेक है। यह एक मैनमेड झील है। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी आणाजी ने झील को बनवाया था। यहाँ पर आप मछलियों को चारा डाल सकते हैं। काफी साफ पानी है झील में और आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। ये भी अजमेर की मोस्ट विजिटेड प्लेस है। इसके ऊपर भी मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल के साथ बनाई है। वीडियो में मैंने बोटिंग की प्राइस से लेकर पास के बने रेस्टोरेंट के लंच और डिनर के बारे में भी बताया है, तो आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद जयपुर हाईवे पर बने नरेली जैन मंदिर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ सालों पहले ही मंदिर का निर्माण हुआ था। नरेली जैन मंदिर को ज्ञानदया तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जैन तीर्थकारों को समर्पित है और मंदिर दिगंबर जैन का एक इम्पोर्टेंट स्थल है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल कारीगरी से मंदिर को बनवाया गया है। इसके बाद अजमेर में भारत की सबसे पुरानी बोर्डिंग कॉलेज है, जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था। कॉलेज मयो कॉलेज के नाम से जानी जाती है। आप चाहो तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, नहीं तो चेकआउट करके दोपहर तक पुष्कर पहुँच सकते हो। आशा है मैंने आपको अजमेर घूमने के बारे में विस्तार से बताया है। अजमेर आप बस से, ट्रेन से या एयरलाइन से भी पहुंच सकते हो। किशनगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई अड्डा है जो अजमेर को सारे शहरों से कनेक्ट करता है, और जयपुर से अजमेर के बीच कई सरकारी बसें चलती हैं, और साथ ही अजमेर दिल्ली से कोच सेवाएं भी चलती है। आप चाहो तो उनमें भी अजमेर आ सकते हो, या फिर दिल्ली जयपुर मारवाड़ अहमदाबाद मुंबई रेलवे लाइन से भी अजमेर पहुंच सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।